क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का प्रणाम करी थे। मध्य प्रदेश के एक हिस्सा विंध्य क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण जिला सीधी। सीधी के जनता ये सोचिस कि आजादी के बाद हमार उन्नयन होगा, हम विकासशील हो जाब, हम विकसित हो जाब। किंतु आजादी के बाद ऐसा तस्वीर सोचे में मजबूर कर दे थी। जौन सीधी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मंत्री दिहिस और देश का राज्यपाल दिहिस, वह सीधी आज अपने बुनियादी जरूरत की थी लड़ रही है। और यह हम नहीं कही, यह सीधी के हालात कहा थे। जौने की थी आज हम मुद्दा लेके आए हैं कि बरसात में दो दर्जन गांव के रहवासी बन जाते गांव के कैदी। जी हाँ, ठीक सुने कि बरसात में दो दर्जन गांव के रहवासी बन जाते गांव के कैदी। गांव के कैदी से तात्पर्य हमारा यह है कि वो बरसात में नदी के उफान के चलते वो अपने संपर्क का टूट जाते थे। शहर से गांव के संपर्क टूट जाते थे, बाजार से गांव के संपर्क टूट जाते थे। यह स्थिति दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दर्दनाक है। हमारे साथ जो अपना तस्वीर जो चल रही है वो देखत हो और अपना खुद कल्पना करी कि आज हम 21वीं शताब्दी के बात करी थे और अपने आप का विकसित विकासशील और विकास के वो पथ में अग्रसर मानी थे जहां बुनियादी जरूरत खत्म हो चुकी है। किंतु नहीं, ऐसा नहीं है। वर्तमान में एक महत्वपूर्ण पंचायत और महत्वपूर्ण विधानसभा के ऐसा हाल से आज हम अपना वाकिफ कराओ कि अपना के देख के रोंगटा खड़ा हो जी। जी हाँ, कहे कि यह मामला है सिहावल विधानसभा के। सिहावल के जो जनपद पंचायत अंतर्गत लौवार के मामला है। लौवार के गांव से सटे गांव जो है, जो वहाँ के पूरा बाजार है, बाजार के पूरा लेन देन गांवन के आम दिनचर्या से जुड़ी हुई चीज है वहाँ। किंतु यह बरसात के चलते गोपद नदी में उफान आ जाता है और उफान के चलते जो 12 दर्जन मतलब 2 दर्जन गांव जो अपना से हम जिक्र करें कि 2 दर्जन गांव के रहवासी गांव के कैदी बन जाते। कहे कि पुल नहीं है, बुनियादी सुविधा यदि हम दे के बात करी थे और वोट बैंक के बात करी तो वोट बैंक हर जनता आए, जनता वोट दे के अपन प्रतिनिधि चुना थी कि हमारे सुख दुख मकाम ही, हमारे व्यवस्था मकाम ही। किंतु आज आवागमन की यदि सुविधा जो बुनियादी सुविधा है वह न रही तो अपना कल्पना करी कि का हुई, का विकास भा है। किंतु वह विकास के पैमाना नहीं माना जाए। मंत्री महोदय और उनसे पहले के जो सरकार रही केवल और केवल कागज मां लोगन का खुश दिखावे चाहती हैं। या दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही दर्दनाक है। कहे कि जो तरह से लोग या आवागमन करते हैं वह आवागमन सीधे जान के जोखिम में डाल के करते हैं और नाव से वो उफनत नदी का पार करते हैं। अपना ये देखा हो कि वो उफनत नदी में कई एक बे हादसों हो चुके हैं जो उन्हें प्रशासन का सरकारन का संज्ञान है। किंतु प्रशासन और सरकार केवल और केवल तमाशा देख रही है और तमाशा वह गरीब के, तमाशा वह मजबूर के जो उनका वोट दे के आज मंत्रालय आज बड़े बड़े अधिकारी अफसर बनाए हैं। किंतु कल्पना करी कि वह व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति है ओका का मिल रहा है, ओका मिल रहा है तो केवल आश्वासन। जब मीडिया कर्मी मंत्री महोदय से यह पूरे मामले का लेके बातचीत करें तो उनके द्वारा कहा गया कि ओमा पुल फाइनल हो चुका है, पर्यावरण के एनओसी है और ओमा काम चल रहा है, फिर उसके बाद वो अपन उपलब्धि गिनावे लागे। तो हम तो यह सवाल पूछी थे कि जब वोट ले जाते हैं लोग तो यह कहा थे कि अपना के सब संबंधित काम हो जाए, हम जहां बने हमार सरकार बनी तो सब काम हो जाए, फिर काहे अड़ंगा लगी जात है। वह क्षेत्र के एक और पुल के बारे में अपना बात बताई, वह हनुमाना से बहरी के बीच में जो पुल है बड़ा दर्दनाक और बड़ी खतरनाक पुल है, कई एक हादसा हो चुके पिछले सालों में, 21 आदमी वह पुल में अपन जान दे दी। किंतु वर्तमान में कुछ नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। अपना खुद कल्पना करी कि वह पुल आज कितनी जर्जर ही, अमिलिया वाली पुल अपना देख के आई कितनी जर्जर ही, कितने लोगों की जिंदगी में दांव में लगी है। किंतु नहीं, कोई सुनने वाला नहीं आया, न सरकार सुनने वाली आई, न विधायक सुनने वाले आई, न मुख्यमंत्री सुनने वाले आई। आखिर कब तक ये जान गरीब के दांव में लगी रही। हम तो कहे थे कि वह आम आदमी खुद जो आज बड़े बड़े मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं,
खुद हमें जिंदगी जी के देखें कि कैसा लागत है, तब समझ में आई कि एक बुनियादी जरूरत के ना हो कितनी बड़ी बात है। यह पूर्व मामला हम जो लेके आए हैं अपना खुद दिखे हो कि ये माँ जो तस्वीर चल रही तो कौ में हालत थी, लोग अपन जान जोखिम में डाल के, और आजादी के बाद आज हम यह में बुनियादी जरूरत का मरीज लागे तो यह कहो न कहो बहुत दुखद है। और राजनीति से ऊपर उठ के एमा लोगन के मदद करे की आवश्यकता ही, सरकार इनका सोचे की आवश्यकता ही कि इनकर मदद की जाए और इनके यह दुख से इनका बाहर निकाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखी पूरी रिपोर्ट दिख रही है तो नाव तो लगभग आज कम से कम 50 वर्षों से चल रही है यहाँ। और यहाँ आवागमन की जो सुविधा है तो अधिकतर लोग जैसे सीधी मायापुर लवार कुबरी बहरी लोग उतरते हैं, और उतरने के बाद उनको कई तरह से जैसे कोई वाहन लेके आया मोटरसाइकिल उसमें दिक्कत होती है। कभी नाविक नहीं है, मान लीजिए खुदा न खास्ता बाढ़ ज़्यादा आ गई, लोगों को तमाम बाल बच्चे लेके आते हैं उसमें समस्या जाती है। और इसलिए यहाँ पर एक माने पुल का निर्माण होना चाहिए, और जैसा माने भाई शासन की जैसी मंशा हो, जैसे लोग भाई आजकल जो हैं सांसद हैं मुख्यमंत्री हैं विधायक हैं और अन्य पंच सरपंच नेता जितने हैं माने आम पब्लिक परेशान हो रही है उनको उससे जोड़ा जाए, इससे माने इस पहुंच मार्ग से। अगर कभी शासन प्रशासन कभी ध्यान नहीं दिया कलेक्टर साहब? अब कलेक्टर साहब का कई बार प्रपोजल तो गया लोग, ये तो जब से हम लोग जानने लायक हुए हैं तब से तो यही नाव का ही सहारा चल रहा है। और इस अपने क्षेत्र में तो बहुत सारी परेशानियों के साथ में समय कट रहे हैं। और यहाँ भी कोई अगर आ भी जाते हैं तो हाँ में हाँ मिला के चले जाते हैं, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं होता है। बोलते हैं दो दिन चार दिन हफ्ते दिन के बाद यहाँ पुलिया भी की निवार करने के लिए वो बोले थे, एक आध बार आए तो चेक ओक किए बोले बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो भी नहीं हुआ। हो गया हर रोज़ जो जैसे दो आदमी दस आदमी पंद्रह आदमी और पैसे हिसाब से सवारी आ गई। ये कौन सी नदी है? ये गोपत नदी है। जब इसमें बीच में पहुँचते होंगे डर या झिझक नहीं लगती? वो झिझक तो लगता है, लेकिन मजबूरी के चलते चाहे झिझक लगे चाहे डर लगे जो भी कुछ लगे, लेकिन वो तो भाई अब पार तो करना ही पड़ेगा। पर्यावरण की नुकसान के लिए प्रकरण लंबित था और उसके लिए प्रयासरत ऐसे ही पर्यावरण की नुकसान मिल जाएगी तो 100% उनका निर्माण करेंगे। तो इस तरह की जहाँ भी संगति है, पिछले साल हमने आपका मारपान से भैंसाओं पूछ मार के गोपन नदी पे 1250 करोड़ रुपये का पक्ष स्वीकृत कराया है जिसका काम चल रहा है, और मार्च तक हमारे समझ से लोकार्पण भी हो जाएगा। आपका जो ये सोन नदी पे पुल है धनखर का, और ये जो थनबना से बहरी मार्ग पे जो है उसका भी संचन हो गया है, पर्यावरण दूषित भी हो गया है। बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया हुआ है जैसे समय मिलेगा उसका।